पहाड़ों पर फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी हिस्सों में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों में 5 से 8 अप्रैल तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ है। मैदानी जिलों में लू चलने से दिन के समय लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा, जिससे गर्मी में और इजाफा हो सकता है। मैदानी इलाकों में आगामी 2 दिन लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर अब पानी के स्रोत पर भी पड़ेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलने वाला नहीं है क्योंकि अभी बारिश और थंडरस्टोन एक्टिविटी की बड़ा इमीडिएट तो संभावना नहीं है। और टेम्परेचर जैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा है, अभी सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है प्रदेश में ज़्यादा चल रहे हैं टेम्परेचर। और जो प्रदेश के ऊपर के हिस्से जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, इन इलाकों में तापमान जो है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहे हैं। और ये ज़रूर है कि जितने मार्च में टेम्परेचर थे उससे कुछ हल्का सा रिस्पाइट तो मिला है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने की अभी संभावना तो नहीं है टेम्परेचर की, लेकिन वो इसी तरह से जैसे चल रहे हैं टेम्परेचर बने रहेंगे तीनों एरियाज में, जिसमें लो, मिड और हाई हिल्स हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेंगे, हल्का सा रिस्पाइट मिल सकता है क्योंकि थोड़ी सी हवाओं की दिशा बदली है, थोड़ी सी पूर्वी दिशा से हवाएँ आई हैं, उससे टेम्परेचर में कुछ रिस्पाइट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है अभी गर्मी की रफ्तार जिस तरह से चल रही है, हीट वेव उसके जो पैटर्न चला हुआ बना रहे गर्मी की वजह से, मार्च में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर ऑब्जर्व किए गए, जिसमें जिला कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सोलन, शिमला, इन इलाकों में जो है जो पीछे के रिकॉर्ड्स थे वो ब्रेकअप हुए हैं, और अभी तक के रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर आज तक के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है मार्च महीने में रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए अभी ऊना जिला जो है सबसे ज़्यादा गर्म है, 38.5 के आसपास तापमान, क्योंकि पंजाब के साथ लगते हुए इलाके हैं, तो ऊना सबसे गर्म और सबसे ठंडा केलोंग डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो है स्टेशन हैं जहाँ टेम्परेचर का सबसे कम हुआ है और सबसे हाईएस्ट ऊना में। अभी जैसे क्योंकि बारिश मार्च में भी लगभग ना के बराबर है, और अप्रैल में इमीडिएट कोई बहुत ऐसा मेजर रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना नहीं है आगे आने वाले दिनों में भी, तो संभावित ये चीज़ें जल स्तर और उससे रिलेटेड जो मामले हैं उनके ऊपर जरूर इसका असर पड़ सकता है। और ख़ासकर टेम्परेचर ज़्यादा होना, और वो भी ऊपर के जो जिले खासकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, इन इलाकों में तापमान ज़्यादा होने से कुछ जो है इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है जल स्रोत के ऊपर भी और अदरवाइज भी पानी के रिसोर्सेज के ऊपर। प्रदेश में देखिए एक हमने एडवाइजरी जारी की है कि कुछ जो है गर्म हवाएं रहेंगी क्योंकि तापमान ज़्यादा है और कंसिस्टेंट है ज़्यादा जो गर्मी है, तो उसका एक हमने एडवाइजरी दिया है, लेकिन बहुत अलार्मिंग तो नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि तापमान मिड और हाई हिल्स में लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अभी भी ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसके तहत हमने कुछ जो है एडवाइजरी दी है ताकि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और थोड़ा प्रिकॉशन ले ली जाए। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।